आज हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने वाले हैं जिनमें आपको दिमाग की बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है जीव एफ परिभाषित है, कई बार नहीं भी होता है, और एक एक ही है। जीव एफ क्या है? एक एक ही है। और जी और एफ क्या दोनों अनिवार्यता एकाकी ही होने चाहिए? तभी जीव एफ, मतलब जिन दो फलनों का संयोजन किया जा रहा है उनका संयोजन एकाकी आया है। संयोजन क्या आया है? एकाकी आया है। तो वो ये पूछ रहा है कि जरूरी है कि क्या फिर जी और एफ दोनों एकाकी होने चाहिए तभी जीव एफ एकाकी आएगा? तो वैसे तो एकाकी आपको पता है, पर आपको तीर आरेक से बहुत पता है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो बच्चों, यहाँ देखो और करो, जैसे अपन एफ की बात करें, देखो मान लो एक का संबंध एक से है, दो का संबंध दो से है, और एक का संबंध तीन से, तो क्या ये एकाकी है? नहीं, एकाकी नहीं है, बिकॉज एक का संबंध एक से भी है और एक का संबंध तो ये एकाकी नहीं है। माना एफ बराबर एक दो तीन, ये अपना एफ हो गया कोई, ठीक है, सॉरी एफ बराबर एक दो तीन, सॉरी मिस्टेक है मेरी, ये एफ का डोमेन है, ये एफ का क्या है? डोमेन। माना एफ का डोमेन एक दो तीन, ओके। अब हम हमें चाहिए एफ का कोडोमेन, एफ का डोमेन ये है, और एफ का क्या चाहिए हमें? कोडोमेन चाहिए। तो ये कोडोमेन है किसका? है एफ का। तो रोहित इसको मान लेते हैं एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो एक का संबंध में यहाँ पे एफ का कोडोमेन, ठीक है, इसको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है, एक दो तीन चार। तो मान लीजिए एक का संबंध आपने कर दिया एक से, दो का दो से, और तीन का, यहाँ दिख रहा है कि एफ जो है वो एकाकी है रोहित, एक का संबंध एक से है, दो का संबंध दो से है, तीन का संबंध, क्लियर दिख रहा है कि एफ जो है वो अपना क्या है? एकाकी। अब यहाँ पे चार छूट गया, इससे अपन को क्या लेना देना है ना, अपन अच्छा तक नहीं, ठीक, चलिए अब आ जाते हैं हम, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं आपको। अब ये जो है, ये जो कोडोमेन एफ का है, ये डोमेन बनेगा किसका? जी का, कल अगर आप आए हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए जी के लिए एक कोडोमेन, क्या चाहिए? एक कोडोमेन चाहिए, तो अपन उसको भी ले लेते हैं नॉर्मली, एक दो तीन चार पाँच, ओके। तो अब ध्यान दीजिए, एक का संबंध मान लीजिए अपन ने कर दिया किससे? एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का भी तीन से, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो बताइए आप मुझे, है कोई प्रॉब्लम? चार का संबंध तीन से कर दिया, फलन नहीं है क्या? फलन तो है, देखो जी एक्स परिभाषित है एक एक, तो अब अपन जी लिखेंगे रोहित, एक एक दो दो चार तीन। क्या जी एकाकी है? जब एक अवयव का संबंध उसके केवल एक से होता है, अब इसमें क्या है कि तीन का संबंध भी तीन से है और चार का संबंध भी कैसे? तीन से, मतलब जी जो है वो अपना एकाकी नहीं है। अब रोहित अपन अपना क्या बनाएंगे? जी ओ एफ, जो कि मैंने आपको बताया था कि अपन को ये जी का क्या हो गया? कोडोमेन। अपन ने क्या है, बहु एक बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना, तो अपन स्किप कर गए उस चीज़ को, ठीक है। चलिए तो अपन बनाएंगे रोहित, तो एक वापस जाके यहाँ पे एक फिर एक, तो ये आ जाएगा एक एक, फिर रोहित अपन आगे जाएंगे बेटा, दो दो पे पहुँच जाएगा तो दो दो, फिर अपन जाएंगे तीन पे तो तीन तीन तीन, और रोहित फिर अपन जाएंगे चार से, तो चार से जाने के बाद ये यहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं, तो बस। अब देखो स्पष्ट है कि जी ओ एफ एक ए की है, देखो एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, और तीन का संबंध, परंतु जी एक ए की नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर जी ओ एफ को एकाकी चाहिए तो जी और एफ दोनों क्या होने चाहिए? एकाकी। यहाँ पर ने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें जी एकाकी ना होने के बाद भी जी ओ एफ क्या है? एकाकी, और उसका रीजन है कि पीछे की तरफ ये नहीं गया, ठीक है। चलिए एकाकी होने के लिए जरूरी नहीं कि एफ और जी दोनों एकाकी हों, अपन ने पिछली बार एफ एकाकी लिया था, जी नहीं लिया था, और अपना वो जी ओ एफ एकाकी आ गया था। अब यहाँ बात हो रही है आच्छादक, देखिए एकाकी का संबंध डोमेन से, वैसे आच्छादक का संबंध कोडोमेन से, कोडोमेन का कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है? अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपके लिए एक फंड बना लूँ जिसका नाम है एफ, जिसका नाम क्या है? एफ है, और ये आपका एफ का डोमेन है, और ये आपके एफ का कोडोमेन है। यहाँ के लिए बात हो रही है आच्छादक की, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छ, नहीं कर सकते छः, पाँच ही कर लो अपना क्या जा रहा है। एक का संबंध काय से है? एक से,
दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से और पांच का भी चार से। क्या ये फलन आच्छादक है? नहीं। क्यों नहीं ये फलन आच्छादक? पांच में चला के जा रहेगा। क्या ये फलन नहीं है? नहीं। बस ये एकाक ही नहीं, उससे हमें क्या ले रहा बंदो आच्छादक क्यों? ये अपना एफ हो गया। अब अपन आते हैं अगला फलन लेने के लिए जी। तो जी फलन के लिए जो कोडोमेन एफ का है, ये जी के लिए क्या काम करेगा? डोमेन का। और यहाँ पर हम आएंगे, ये जो रहेगा कोडोमेन रहेगा किसका? जी का। अब जी में अपन कुछ अवयव ले लेते, ज़्यादा अवयव लेने की आवश्यकता नहीं है अपन को, एक दो तीन। ये जो जी का कोडोमेन है यही तुम्हारा जी ओ एफ का कोडोमेन है, यही तुम्हारा काया कोडोमेन है। समझ, जैसे एफ को अगर अपन लिखें। अब आ जाते अपन यहाँ पे एक का संबंध, एक से कर दे, दो का संबंध कोई से भी कर सकते, कोई जबरदस्ती नहीं है काम, बता दी। दो का संबंध बोलना पड़ेगा यार, दो से। और चार का संबंध नहीं कर सकते तो काय से कर दें? दो से कर दे, तीन से ही कर दो यार। और पांच का भी तीन से ही कर दो। देखो इन सबके संबंध में जरूरी बना रोहित फाइनेंस जी फिर आपका एग्जिट नहीं करेगी डू में। समझ पा रहे मेरी बात? ये सारे अवयव किसी ने समझ में, जब ये जी फाइन बनेगा। अब आ जाते अपन काय पे? जी ओ एफ पे। एफ लिख लेंगे आप, एफ बोल दीजिए रोहित क्या है? एक एक चार चार पाँच चार। क्लियर दिख रहा है कि एफ आच्छादक नहीं है, उसने अपने को डोमेन में कहा। तो डोमेन में तो अब कोई छोड़ ही नहीं सकता, डोमेन में अब छूटा बना फलन ही नहीं है, ये तो बात पता है कि नहीं पता है? डोमेन में तो कोई अब छोड़ ही नहीं सकते अपन, ठीक है। अब आ जाते यहाँ पे जी पे, जी को लिखते हैं एक एक ओके। अब आएंगे हम वापस, क्या लिखाएंगे? जी ओ एफ। क्या लिखेंगे? लिखिए भैया सरोज, जी ओ एफ लिखिए। एक एक दो, बोलते जाओ। अरे यार क्या बोलते, मैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। देखो एक दो दो, तीन तीन, चार तीन और पांच भी तीन। अब अपन को बताना है कि जी ओ एफ आच्छादक है कि नहीं। क्यों? जी ओ एफ का कोडोमेन कौन है? हाँ कौन है जी ओ एफ का कोडोमेन? जी का कोडोमेन है और डोमेन दिखा ही रहा है, सारे अब आई गए, एक दो तीन चार पाँच सब आ गए ना, रोहित को छूट तो नहीं गया। अब यहाँ पे चार लिख दो, क्यों नहीं लिख सकते? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, यहाँ पे क्या लिख दो? चार। अब बताइए क्या जी ओ एफ, अरे सॉरी जी ओ एफ तो अच्छा चाहिए था, काय को लिख रहे, सॉरी तो सॉरी मेरी गलती, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में आ गया। जी ओ एफ आच्छादक है, तो उन्होंने बोला था कि जी ओ एफ आच्छादक होना चाहिए। अब बताओ कि क्या एफ आच्छादक है? एफ आच्छादक नहीं है। तो स्पष्ट होता है कि जी ओ एफ आच्छादक है। देखो दिख रहा है जी ओ एफ आच्छादक है, कुछ भी छूटा नहीं है, छूट भी सकता है, ऐसा नहीं कि जो अपन छोड़ना चाहें। लेकिन उन्होंने बोला जो पूछा उस पर कॉन्सिडर करना है कि जी ओ एफ अच्छा, जी ओ एफ परिभाषा आच्छादक होना चाहिए, तो क्या जी ओ एफ दोनों नहीं मारता? नहीं, जी ओ एफ आच्छादक होने के लिए अपन ने देखा कि यहाँ पे एफ आच्छादक नहीं है, उसके बाद भी अपना जी ओ एफ क्या है? आच्छादक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अर्थात जी ओ एफ के आच्छादक होने के लिए आवश्यक नहीं है कि जी और एफ दोनों आच्छादक। जैसे अपन ने एकाकी में किया था, वहाँ अपन ने जी को एकाकी कर लिया एफ नहीं, सॉरी वहाँ एफ को एकाकी कर लिया जी नहीं था, यहाँ अपन ने जी को आच्छादक कर लिया एफ नहीं। सर यहाँ पर अभी हमने देखा कि जी ओ एफ के एकेकी होने के लिए, जी ओ एफ के एकेकी होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जी और एफ दोनों क्या हों? एकेकी। अपन ने इसका एक एग्जाम्पल भी सेट किया। ऐसे जी ओ एफ के आच्छादक होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों आच्छादक, ठीक है। अब उल्टा चल रहा है कि अगर एफ और जी दोनों एक एक ही हैं तो क्या जी ओ एफ भी एक एक ही होगा? आप भी नॉर्मल समझते कि होगा ही होगा। इसको समझाने के लिए अपन एक डायग्राम बनाए, वन टू एक्स वाई ए बी, वन एक्स टू वाई, और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एक एक ही। अब एक्स ए वाई बी, और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एक एक ही। तो
वन ए और टू बी अपने आप एक एक हो जाएगा। यहाँ वो दी प्रॉब्लम, जब सिद्ध नहीं करना होता है ना, असत्य सिद्ध करना होता है तो अपन को केवल एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जब सत्य सिद्ध करना होता है तो फिर उनको कंसेप्ट से करना पड़ता है। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करने पर केवल क्या है रोहित, एक्स वन बराबर एक्स टू, तो इसका मतलब है कि फलन एक एक ही है, समझ पा रहे हैं। और अगर साथ में कुछ और भी आ जाए रोहित, एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू और कोई मान, तो इसका मतलब फलन एक एक ही नहीं। तो एफ एक्स वन करने पर, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करने पर एक्स वन बराबर क्या आना चाहिए, एक्स टू आना चाहिए, तब वो क्या है, एक एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये चीज निकालेंगे जी ओ एफ एक्स वन बराबर जी ओ एफ एक्स टू। अब अगर इसको सॉल्व करने पर रोहित क्या आ गया, एक्स वन बराबर एक्स टू, तो मतलब जी ओ एफ क्या है, एक एक ही है, वरना जी ओ एफ एक एक ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे गौर करना पड़ेगा, रोहित को ध्यान देना पड़ेगा, इसको अपन लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स वन और जी ऑफ एफ एक्स टू, सही है रोहित। रोहित चूंकि जी क्या है आपका, एक एक ही है, उन्हें खुद ही दिया है वर्तिका, तो जी वाई वन बराबर जी वाई टू होने पर y1 बराबर क्या होगा, यही तो एक एक ही पहचान है कि जी वाई वन बराबर जी वाई टू होने पर y1 बराबर क्या होता है, y2। तो यहां पर फिर आ गया एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। आप शायद मेरी बात को समझे होंगे, नहीं समझे, मतलब ये जी अलग हो जाता है तब, ठीक है। अच्छा अब रोहित चूंकि एफ क्या है, एक एक ही है, मतलब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होने पर एक्स वन बराबर क्या होगा, यही तो एक एक ही शर्त है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि जी ओ एफ एक एक ही है, क्योंकि जी ओ एफ एक्स वन बराबर जी ओ एफ एक्स टू होने पर एक्स वन बराबर क्या आ गया, एक्स टू आता है, जी ओ एफ क्या है, एक एक ही नहीं आया। तो बच्चों यहाँ पर चौथा सवाल यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एफ भी आच्छादक है और जी भी आच्छादक है, तो क्या जी ओ एफ भी आच्छादक होगा। तो इसको अपन नॉर्मली समझें कि आच्छादक क्या है, कि को डोमेन में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। अब क्लियर बोला गया है कि एफ का डोमेन ए है और को डोमेन बी है, और फिर ये जो बी है ये जी का क्या है, डोमेन है, और सी इसका क्या है, को डोमेन, तो हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो रोहित यदि जी आच्छादक है, यदि जी आच्छादक है, जी आपका क्या है रोहित, आच्छादक, तो मान लीजिए जी में कोई अवयव है z, क्या है कोई अवयव, तो इसका पूर्ण प्रतिबिंब बी में होना चाहिए, आच्छादक है, तो प्रत्येक जी सॉरी z इज द एलिमेंट ऑफ c, ये c क्या है, जी का, जी का क्या है, कोडोमेन का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो मान लिया रोहित इसका पूर्व प्रतिबिंब क्या है बेटा, y, ये सब अवयवों को चर के द्वारा दर्शाया जा रहा है, तो मान लिया इसका पूर्व प्रतिबिंब क्या है, होना चाहिए, इसलिए माना जी वाई इज इक्वल टू जेड, जेड का पूर्व प्रतिबिंब y है, समझ में आया बच्चों को। अब बच्चों नेक्स्ट, यदि f आच्छादक है तो y जो इसमें है, तो y का पूर्व प्रतिबिंब सॉरी जेड जेड का पूर्व प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। अब चूंकि यार बी में वाई है, अपन ने खुद ही बना लिया कि बी में वाई है, तो यदि एफ आच्छादक है तो वाई का पूर्व प्रतिबिंब ए में होना चाहिए। यदि जी ओ एफ आच्छादक है तो Z का पूर्व प्रतिबिंब A में होना चाहिए। करते हैं रोहित अपन, जी ओ एफ ऑफ क्या निकालेंगे, X निकालेंगे, इसका मतलब हुआ G ऑफ एफ एक्स, पर एफ एक्स का मान तो कहाँ गया भाई, एफ एक्स का मान तो Y है और जी वाई का मान Z, समझ में आया, स्पष्ट है कि जी ओ एफ के को डोमेन, जी ओ एफ के सी के प्रत्येक
अवयव Z का पूर्व प्रतिबिंब X, डोमेन A, समझ पाए कि नहीं समझ? ये GUF का कोडोमेन है और ये GUF का डोमेन है, पता तो है, अपन खत्म कर रहे हैं। X पूर्व प्रतिबिंब X डोमेन A में स्थित है, अतः GUF आच्छादक है। समझ में आया? अब आप लोग इसको एक बार प्लीज घर जाके NCERT की बुक में, नबूत की बुक में, इन सब में देखें ये कैसे लिखा है, कुछ पल्ले पढ़ भी रहा है नहीं, ये चीज़ ऐसी ऐसी नहीं है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आया, आपको वैसे आ गया होगा।